अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज काफ़ी दिन बाद मैं ये व्लॉग बना रहा हूं और उसकी एक वजह तो ये है कि बीच में थोड़ी सी वेकेशंस आ गई थी। कश्मीर डे की छुट्टी थी सैटरडे को और मंडे को, उसके अलावा संडे बीच में ऐड हो गया, थोड़ा लंबा वीकेंड बन गया था। और जिन्होंने मेरा चैनल पीछे देखा है तो उसमें उन्होंने नोट किया होगा कि एक जलसा भी था इलेक्शन से रिलेटेड, वहाँ पे भी जाना था। तो इसलिए मैं पिछले एक दो दिन में कोई न्यू व्लॉग अपलोड नहीं कर सका। बहरहाल आज ट्यूसडे है और दिन ब दिन इलेक्शन का वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है। हालात जो हैं वो थोड़े और सीरियस होते जा रहे हैं। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ जो मैं रात को देख रहा था और मैंने सोचा था आप लोगों से शेयर करूंगा, आज मैं उसी के मुताबिक वीलॉग बना रहा हूं। और मैं चाहता हूं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूं, क्योंकि एक शॉर्ट क्लिप है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं वीडियो के एंड पर डाल दूँगा एडिट करके। तो उसमें सीन ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो ब्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो अपने डाल रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं उसके अंदर आपने वोट कास्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि इस बार बायोडाटा के मुताबिक बहुत से जो यंगस्टर्स हैं वो इस बार न्यू आए हैं इलेक्शंस में। मेरा ख्याल है तकरीबन 2.5 या 3 करोड़ हैं यंगस्टर्स जो इस बार न्यू रजिस्टर हुए हैं इसी साल। तो इसका मतलब है 2.5 या 3 करोड़ वोट जो है वो नए डलेंगे और होंगे भी वो यंगस्टर्स के। और वोट डालने का इसलिए तरीका जो है वो बहुत ज़रूरी है, सबको पता होना चाहिए। उसके अंदर मैं इजीली बता देता हूँ। एक तो ये सीन है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं और सुबह तकरीबन 8 या 9 बजे जो है ये पोलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और शाम को तकरीबन 4 या 5 बजे तक ये कंटिन्यू रहती है। सिर्फ एक ही दिन होता है इसका, एक से ज़्यादा दिन नहीं होता, इसलिए आपने जहन में रखना है, ये ना कोई ईद की तरह समझ के कि चलो दूसरे तीसरे दिन डाल लेंगे वोट, ऐसा कोई सीन नहीं है। इलेक्शन का सिर्फ एक डे होता है, आपने उसी को ध्यान में रखना है। और उस दिन आप लोगों ने सुबह, वैसे तो सब लोग यही कह रहे हैं कि कोशिश करें सुबह जल्दी चले जाए, लेकिन ऑब्वियसली जब सब भी जल्दी जाएंगे तो रश तो होगा ही, क्योंकि सिंगल डे होता है इसलिए आपको लाजमी कहीं ना कहीं रश जो है वो ज़रूर मिलेगा। रश से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाएँ अपने पोलिंग स्टेशन पर। और पोलिंग स्टेशन पे जाने से पहले आप लोगों ने अपना जो डाटा है वो चेक करना है 8300 पे, 8300 के ऊपर मैसेज करें, उसके ऊपर वो आपको बताएंगे कि आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, उसके ऊपर बताएंगे कि आपका नेशनल असेंबली का कौन सा हलका है और पंजाब असेंबली का कौन सा हलका है। उसके बाद वो बताएंगे कि आपका पोलिंग स्टेशन किस एरिया में है और पोलिंग स्टेशन का आपका नाम क्या है। ये चीज़ें देखना ज़रूरी है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो होते हैं पार्टीज़ के जो ऑफिस होते हैं, उन्होंने अपने वो बनाए होते हैं स्टॉल, वहाँ से वो आपको स्लिप्स वगैरह बना के देते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग अपनी स्लिप जो है वो खुद बना लें। स्लिप खुद बनाने का यही तरीका है कि ये जो 8300 पे आपने मैसेज करना है, इसके ऊपर सारी डिटेल आ जाएगी, वो आप अपनी लिख लें, अपना वो जो घराना नंबर होता है, शुमारियाती कोड होता है, आपका जो NA का हलका है और पंजाब असम्बली का जो हलका है, वो सारा एक ही पर्ची पर लिख लें। अपना जहाँ पे पोलिंग स्टेशन पर है जिस सेंटर में, वो भी लिख लें ताकि आपका टाइम बचे, वरना आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सुबह टेंट्स में ही लग जाएगा जहाँ पे आप लोगों ने अपनी स्लिप बनवानी है। और क्योंकि सबको पता है कि हालात इतने अच्छे नहीं है PTI वालों के लिए, तो जो लोग PTI को वोट देना चाहते हैं वो कोशिश करें कि वो PTI के स्टॉल से ना बनवाएं अपनी स्लिप, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो PTI वाले हैं इनको इस बार ये फिर तंग करेंगे इलेक्शंस के लिए भी, पोलिंग सेंटर में नहीं जाने देंगे या किसी वजह से रोक सकते हैं या खुदा ना खास्ता कोई गिरफ्तारी भी कर सकते हैं, कुछ पता नहीं इन लोगों का। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बहरहाल जब आप लोग चले जाएंगे अंदर पोलिंग स्टेशन के, तो वहाँ पे आपकी चेकिंग होगी, सिर्फ आप अपने साथ ID कार्ड लेके जा सकते हैं ओरिजिनल, इसके अलावा कोई चीज़ अंदर नहीं लेके जानी आपने और ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ID कार्ड की कॉपी से काम नहीं चलना, ओरिजिनल ID कार्ड होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो लोग हॉस्टल में रहते हैं या शहर से बाहर से आए हुए हैं और उनके ID कार्ड उनके घरों में पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, वो ज़रा ID कार्ड्स को ज़रा जगाएं और अपने पास बुला लें, क्योंकि ID कार्ड के बगैर जो है वो काम नहीं चलना। बहरहाल आप जब अंदर जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑफिसर उनका बैठा होगा, चेकिंग वगैरह के बाद अंदर जाएंगे, वो आपका ID कार्ड चेक करेगा और उनके पास एक रजिस्टर होगा
जिसके अंदर उस इलाके के सब लोगों के नाम होंगे जो वोटर्स हैं, तो आपने ध्यान से अपना जो आईडी कार्ड नंबर है उसके अगेंस्ट, सॉरी मेरा होल्डर जो है वो ज़रा लूज था, वो गिर गया इसलिए मुझे ब्रेक देनी पड़ी है बीच में। बहरहाल उसमें ये सीन है कि आप लोगों ने जब अंदर जाना है तो अपने जो रजिस्टर में नाम है वो अपने आईडी कार्ड के अगेंस्ट लाजमी कटवाना है, क्योंकि अगर आपका आईडी कार्ड से वो रजिस्टर में से नाम नहीं काटते तो वो ऑब्वियसली वो नाम को दोबारा यूज़ कर सकते हैं किसी और के लिए, वोट के लिए। दूसरा ये है कि आपके जो लोग रिलेटिव्स जो हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनके आईडी कार्ड का ज़रूर चेक करें, क्योंकि मैंने चेक किया है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में से अभी तक वोट जो हैं उनके बने हुए हैं और ऑब्वियसली वो फिर उनके वोट जो हैं किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। जब आप लोग अपना नाम कटवा लेंगे रजिस्टर में से, आईडी कार्ड की एंट्री करवा लेंगे, आपको दो स्लिप्स मिलेंगी, आई थिंक एक वाइट होती है और एक ग्रीन होती है। जो वाइट वाली है वो पंजाब असेंबली की होती है, ग्रीन वाली जो है वो नेशनल असेंबली की है। उसके ऊपर सारे कैंडिडेट्स के जो है वो नाम और उनके निशान लगे होंगे। पीटीआई वालों के लिए इस बार इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनका जो एक सिंगल जो था बैट का निशान वो छीन लिया गया है और सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अलग अलग दिए गए हैं। जैसे हमारे एरिया में जो पीटीआई के हैं, नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली दोनों को ही रैकेट का निशान मिला हुआ है, कुछ एरियाज में लैपटॉप मिला है, कुछ में ड्रम मिला हुआ है, तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी चेक करके जाना है। अगर आप लोग पीटीआई के सपोर्टर हैं तो इमरान खान की जो ऑफिशियल साइट है इस पे फेसबुक पे, उसके ऊपर आप मैसेंजर पे मैसेज करें NA125 या NA126 127, जो भी NA का नंबर है वो मैसेज करें और PP का नंबर मैसेज करें, तो वो आपको मैसेंजर पे मैसेज करके बता देंगे कि आपके एरिया के अंदर कौन कैंडिडेट है और उसका निशान क्या है। बहरहाल फिर आपने जाना है बूथ के अंदर दोनों पर्चियां लेके, व्हाइट पर्ची के ऊपर आपने स्टैंप लगानी है, जहां पे निशान होगा वहां पर्ची पे स्टैंप लगाएं, ग्रीन के ऊपर जहां निशान है उसके ऊपर स्टैंप लगाएं, और अंगूठा नहीं लगाना है इस बार स्टैंप लगानी है, और दोनों पर्चियों को जो है वो लंबाई में फोल्ड करें, आपने इस तरह नीचे को फोल्ड नहीं करना, लंबाई में फोल्ड करना है। मैं भी एंड पे वीडियो अपलोड कर देता हूँ, उसको भी आप लोग देख लें कि कैसे फोल्ड करना है। लंबाई में फोल्ड करें, फिर उसको 3 दफ़ा फोल्ड करके एक छोटा सा स्क्वेयर बनाएं उसको, और उसको बॉक्स में डाल दें। सिर्फ इतना सा प्रोसेस है वोट कास्ट करने का, कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों ने एक्टिव रहना है और अपनी आंखें खुली रखनी है। ऑब्वियसली जो वोटर्स जितने ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा टर्नआउट होगा उतना ज़्यादा जो है धांधली के चांसेस कम होते हैं। बहरहाल इलेक्शन जो हैं अल्लाह अल्लाह करके आ ही गए हैं, और आई होप कि आप सब लोग जो हैं वो निकलेंगे वोट कास्ट करने के लिए। किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना है इसके बारे में बहस करना अभी ज़रूरी नहीं है, बाद में करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप लोग निकलें ज़रूर घर से और अपनी फैमिलीज़ को भी कहीं निकलें, क्योंकि अब डेमोक्रेटिक सिस्टम आ ही गया है तो फिर इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें। मैं एंड पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसको लाजमी देख लें क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीका है कि आपने वोट कैसे कास्ट करना है। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। ये मीना है, ये वोट डालना चाहती हैं मगर इन्हें ये नहीं पता कि इनका वोट रजिस्टर्ड है भी या नहीं। मीना पिछले साल 18 साल की हुई हैं और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक ये वोट डालने की अहल हैं। पाकिस्तान में जो भी 18 साल का हो जाए और इसके पास शनाख्ती कार्ड हो तो वो आम इंतखाबात में वोट दे सकता है। दर हकीकत शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले लोगों का वोट खुद ब खुद रजिस्टर हो जाता है। आप 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर अपना हलका और पोलिंग स्टेशन चेक कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वाहिद ऑफिशियल कोड है, लिहाजा यकीनी बनाएं कि इस मालूमात की तस्दीक के वक्त आपका नंबर दुरुस्त हो। इलेक्शन के दिन मीना को असल शनाख्ती कार्ड के हमरा पोलिंग स्टेशन पर जाना होगा। कार्ड की कॉपी से काम नहीं चलेगा, वहाँ खवातीन के लिए अलहदा पोलिंग बूथ होता है, और मीना को ध्यान रखना होगा कि जब मीना के हाथ में बैलेट पेपर आ जाए तो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसका नाम वोटिंग लिस्ट से काट दे, ताकि कोई और इसके नाम से वोट डालने की कोशिश न करे। मीना को वहाँ दो बैलेट पेपर्स मिलेंगे, एक सफेद जो सूबाई असेंबली के लिए होगा और एक सब्ज कौमी असेंबली के लिए। अब जब मीना ने वोट डालने का फैसला कर लिया है तो वो जिस पार्टी को वोट देना चाहती है दोनों बैलेट पेपर्स पर इस पार्टी वाले बॉक्स के अंदर मुहर लगाएगी। लेकिन रुकिए, मीना उसी सूरत अपनी पसंद की पार्टी को वोट दे सकेगी अगर वो जानती हो कि उस पार्टी का इंतखाबी निशान कौन सा है। इसके अलावा अगर मीना की मुहर बॉक्स के अंदर की बजाय इधर उधर हुई तो उसका वोट रिजेक्ट हो सकता है। ध्यान रखना मीना, इंतखाबी निशान पर मुहर लगाने के बाद पेपर को एक खास तरीके से फोल्ड करना है, और सफेद बैलेट पेपर को सफेद ढक्कन वाले डब्बे और सब्ज बैलेट पेपर को सब्ज ढक्कन वाले डब्बे में डालना है, और बस हो गया काम। वोट डालना कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है, तो तैयारी करें और वोट दें। अब मीना को चाहिए कि परेशानी छोड़े और अपनी असाइनमेंट करे।